Students, now we are going to discuss about the concept of RSA algorithm, which we have already said you, already told you about the steps. Like हमने जो आपको 7 steps समझाया RSA algorithms का. Now we will using these steps, and by using these steps we can solve out a problem. कि कैसे हम एक समस्या का समाधान कर सकते हैं examples के through. कि इस RSA algorithm के जरिए कैसे plain text and cipher text के जरिए हम कैसे की जनरेट करते हैं, चाहे वो पब्लिक हो आइदर और दैट विल बी प्राइवेट की. सी द एग्जांपल हियर. एग्जांपल ऑफ RSA algorithm, राइट. Let us take an example of this process to understand the concept by using certain steps. Like first step, we shall take P equals to 7 and Q equals to 17. हमने दो वैल्यू ले लिया, P equals to 7 and Q equals to 17. Now, in the second step, n equals to, that will be p multiply by q, that is 7 multiply by 17, that is 119, right? Now, in the third stage, as we can see that p minus 1 into q minus 1, आपने steps को देखते रहिए, उस steps के according ये चल रहे हैं हम. P minus 1 into Q minus 1, that means 6 multiply by 16. P 7 है, तो minus 1 करके 6 बना दिया मैंने. Q 17 है, minus 1 करके मैंने 16 बनाया. That value will be, whenever we will do the multiplication, that will be 96. Now the factor of 96 are 2, 3. दो फैक्टर होते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं. फैक्टर का मतलब जो इससे मल्टीप्लाई हो सकता है. एंड देयरफॉर आवर पब्लिक की, देयरफॉर आवर पब्लिक की, सपोज हमने पब्लिक की क्या बनाया, ई, ओके, मस्ट हैव ए फैक्टर ऑफ 2 and 3, जो मैंने आपको स्टेप्स में बताया. अब मैं जो पब्लिक की असाइन कर रहा हूं ई, वो 2 और 3 के फैक्टर में होंगे. नाउ हमने एज्यूम किया, सपोज ई इक्वल्स टू 5, लेट अस चूज द पब्लिक की. ई क्या है, ये आपका पब्लिक की है, राइट. नाउ इन द फोर्थ स्टेज, सिलेक्ट द प्राइवेट की, दैट इज सपोज कीजिए मैंने एक नया वैल्यू दे लिया डी, सपोज करो, ठीक है, सच दैट डी मल्टीप्लाई बाय ई, ओके, एंड मॉड ऑफ p माइनस 1, मॉड का मतलब मॉड्यूलस ऑफ p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस 1, दैट विल बी कितना होगा, 1 होगा. तो d का वैल्यू कितना हो गया, लेट अस चूज d इक्वल्स टू 77. क्यों होगा 77, 77 इसलिए होगा, जैसे इसमें 2 और 3 था तो e का वैल्यू कितना मिल गया मेरे को, 5 मिल गया, तो वैसे इनकी वैल्यू कितने हो जाएंगे, 77. कैसे 77 होगा, 77 बिकॉज 5 into 77, अगर मैं 77 लेता हूं तो इनका जो मॉड होगा, जिस मॉड ऑफ 96, 5 into 77 मॉड ऑफ 96 इक्वल्स टू कितना होगा, 385 मॉड
96, that will be 1. So the private key, that the value of D, that will be 77. जिस की के जरिए आप इस लिए हुए सिलेक्टेड वैल्यूज को आप क्रिप्टोग्राफी कर रहे हैं आरएसए एल्गोरिथम के थ्रू, एंड द पब्लिक की दैट विल बी 5. तो इस कंसेप्ट के जरिए, इस तरीके से आरएसए एल्गोरिथम की स्टेप्स के जरिए आप वैल्यूज को निर्णय ले सकते हो कि कौन सा वैल्यू, कौन सा पब्लिक की यूज करना है और कौन सा प्राइवेट की यूज करोगे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने. तो स्टूडेंट्स, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द दिस एग्जांपल फॉर द आरएसए एल्गोरिथम्स, कि हाउ वी कैन सॉल्यूटिव, हाउ वी कैन सॉल्व आउट दिस एग्जांपल हियर, राइट. नाउ आरएसए एल्गोरिथम में कुछ आरएसए इंक्रिप्शन प्रोसेस काम करते हैं, कुछ आरएसए का डिक्रिप्शन प्रोसेस भी काम करते हैं. आई थिंक वी हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट द इंक्रिप्शन, एंड इंक्रिप्शन मतलब जब इंक्रिप्ट किया है वैल्यू को, वेन एवर द वैल्यूज हैज बीन encrypted, right? तो now RSA encryption के अंदर आपका कुछ नियम है जो आपको use याद रखना है. क्या है वो? Sender, suppose कीजिए sender A है मेरे पास, right? तो sender A does the following. वो क्या क्या rules अपनाते हैं A के पास? First point students ये रहेगा, obtains the recipient B's public key, n comma e suppose कीजिए. First point में ये रहेगा. Second point में represent the plain text message as a positive integer. ये बहुत important आपको ध्यान रखना है. यानी कि suppose कीजिए plain text message m है, वो m क्या होगा? 1 और n के बीच में रहेगा. m का जो value होगा plain text के अंदर वो पॉजिटिव इंटीजर के रूप में होगा. नेगेटिव इंटीजर्स होंगे तो अपन वैल्यू निर्धारित नहीं कर सकते, पॉजिटिव इंटीजर्स वैल्यू लेके चलना होगा हमें. तीसरा पॉइंट, जब सेंडर इंक्रिप्शन के लिए ए भेज रहा है, ये सारे पॉइंट्स तभी लागू होंगे. तीसरा पॉइंट क्या है? कंप्यूट्स द साइफर टेक्स्ट, ओके. सी इक्वल्स टू, साइफर टेक्स्ट क्या है? C, सपोज कीजिए C इक्वल्स टू m की पावर e मॉड ऑफ n. इस रूप में आपको C को डिनोट करना होगा. दैट विल बी द थर्ड स्टेप्स ऑफ द RSA encryption. एंड द फाइनल एंड फोर्थ स्टेप्स विल बी सेंड द साइफर टेक्स्ट C टू B. C का जो भी वैल्यू होगा साइफर टेक्स्ट का, वो B के पास भेज दो. दोस फोर स्टेप्स विल बी अवेलेबल फॉर सेंडिंग द प्रोसेस ऑफ RSA एनक्रिप्शन व्हेनेवर A डू दीज फॉलोइंग स्टेप्स. आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड. आई हैव ऑलरेडी रिटन डाउन, यू ऑल्सो राइट डाउन दीज स्टेप्स ऑल्सो. नाउ द डिक्रिप्शन प्रोसेस, राइट. नाउ RSA डिक्रिप्शन, आरएसए का डिक्रिप्शन प्रोसेस में कैसे होंगे? उसमें बी के पास अपने रिसिपियंट्स हैं, तो बी का जो फॉलोइंग स्टेप्स रहेगा, दैट मींस रिसिपियंट बी, राइट, जो डज द फॉलोइंग. बी क्या क्या स्टेप्स बनाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल इट यूजेस his private key n comma d suppose कीजिए, है ना, to compute, इस तरीके से होगा, to compute m equals to c के पावर d mod of n. this one is the
बी के पास जब रेसिपिएंट्स बी जो फॉलोइंग केसेस हैपन हो रहा है जिसमें पब्लिक की जब अपन इस्तेमाल कर रहे हैं एन कमा डी टू कंप्यूट एम इक्वल्स टू इस इक्वेशन को सक्सेस करना होगा सी के पार्ट डी मॉड्यूलस ऑफ एन एंड द सेकेंड स्टेप विल बी एक्सट्रैक्ट द प्लेन टेक्स्ट फ्रॉम द मैसेज राइट रिप्रेजेंट्स एम जो भी हमें एम का वैल्यू मिला था वो हमें वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है एज ए प्लेन टेक्स्ट के रूप में. तो दिस वन इज द आरएसए डिक्रिप्शन प्रोसेस. आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द डिक्रिप्शन ऑफ आरएसए प्रोसेस. तो दिस इज द आरएसए डिक्रिप्शन प्रोसेस. नाउ द मेन पॉइंट ऑफ दिस ओवरऑल एल्गोरिथम इज व्हाट आर द सिक्योरिटी एनालिसिस. सिक्योरिटी एनालिसिस ऑफ आरएसए हम इसको करेंगे लेकिन आरएसए के अंदर क्या सिक्योरिटी अपनाना है कैसे एनालाइज करें सिक्योरिटी किस तरीके से होना चाहिए. देयर आर फोर पॉसिबल अप्रोचेस स्टूडेंट्स. चार प्रोसेस है चार अप्रोच है सिक्योरिटी होने के लिए इसकी सुरक्षा होने के लिए आरएसए का. फर्स्ट पॉइंट इज ब्रूट फोर्स प्रोसेस. ब्रूट फोर्स राइट. इस प्रोसेस में क्या है इसमें हम दिस प्रोसेस बेसिकली इन्वॉल्व फॉर ट्राइंग ए पॉसिबल प्राइवेट कीज. हम कोशिश करेंगे प्राइवेट कीज का ज्यादातर इस्तेमाल करें. ये इससे सिक्योरिटी लेवल बढ़ जाएगा आरएसए एल्गोरिथम और ज्यादा सिक्योर्ड होगा. सेकेंड पार्ट क्या है मीन्स ब्रूट फोर्स में मैंने आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं. वी आर ऑल यूजिंग टू ट्राई फॉर द पॉसिबिलिटीज ऑफ द प्राइवेट कीज. सेकेंड है मैथमेटिकल अटैक्स. मैथमेटिकल अटैक्स देयर आर सेवरल अप्रोचेस ऑल इक्विवेलेंट टू अफोर्ड टू फैक्टरिंग द प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम्स राइट. आपके पास दो प्राइम नंबर होगा जो मैंने आपको शुरू में लिया था जैसे एग्जांपल में मैंने बताया था देयर आर टू प्राइम नंबर्स जहां पे स्टेप्स अपन ने लिखे थे. तो ऑल द सेवरल अप्रोचेस ऑल इक्विवेलेंट टू अफोर्ड टू फैक्टरिंग द प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम्स. एंड द थर्ड वन इज टाइमिंग अटैक्स. ये सिक्योरिटीज है ये आपको ध्यान में रखते हुए चलना है. टाइमिंग अटैक्स दिस डिपेंड ऑन द रनिंग टाइम ऑफ द डिक्रिप्शन एल्गोरिथम. आपको ये ध्यान रखना है डिक्रिप्शन एल्गोरिथम जब हो रहा है उसके रन होते हुए कितनी समय लग रहा है. ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग में सिक्योरिटी अटैक्स होने की प्रॉबिलिटी बढ़ जाता है. दैट्स वाई वेन एवर यू आर गोइंग टू डिक्रिप्ट द मैसेज डिक्रिप्ट द एल्गोरिथम ऑन दैट टाइम रनिंग टाइम ऑलवेज शुड बी मच मोर रिड्यूस्ड राइट. एंड द फोर्थ स्टेप इज चूजन साइफर टेक्स्ट अटैक्स. चूजन साइफर टेक्स्ट अटैक्स. दिस टाइप ऑफ अटैक एक्सप्लोइट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द आरएसए एल्गोरिथम राइट. आरएसए एल्गोरिथम का जो भी प्रॉपर्टी है उसको एक्सप्लोइट कर सकता है. तो आपको यह ध्यान रखना है कि साइफर टेक्स्ट जो है उस पर कोई अटैक ना हो जाए क्योंकि हमने साइफर बना चुके हैं उसके बाद उस साइफर पे अटैक नहीं होना चाहिए. तो अल्टीमेटली द डिफेंस अगेंस्ट अ ब्रूट फोर्स अप्रोच इज द सेम फॉर आरएसए एज फॉर अदर क्रिप्टो सिस्टम्स नेमली एज ए लार्ज की स्पेस. तो दस ए लार्ज नंबर ऑफ बीट्स इन डी द बेटर राइट. However, because the calculations involved both in the key and the slower system will run. तो आपको ये security analysis का जो steps है जो आपको procedures मैंने बताया जो approaches है ये आपको ध्यान में रखना है जिससे आपका secured रहे right. तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है. Now, इस RSA की concept में अब हम देख लेते हैं key length कैसे रहेगा. की लेंथ ऑफ आरएसए व्हाट विल बी द की लेंथ. व्हेन वी टॉक अबाउट द की लेंथ दैट मींस आरएसए कीज वी आर रेफरिंग टू द लेंथ ऑफ द मॉड्यूल्स एन इन बिट्स
हम इसको बीट्स में कैलकुलेट करते हैं, द मिनिमम रिकमेंडेड की लेंथ, द मिनिमम रिकमेंडेड की लेंथ फॉर ए सिक्योर आरएसए ट्रांसमिशन इज करेंटली 1024 बीट्स। ये स्टूडेंट सबको ध्यान रखना है, मिनिमम 1024 बीट्स होना चाहिए। अ की लेंथ ऑफ 512 बीट, मतलब 512 बीट का लेंथ इज नाउ नो लॉन्गर कंसिडर्ड सिक्योर, क्योंकि पहले इस्तेमाल होता, अब इसको नहीं करते हम सिक्योर। ऑलरेडी वी आर क्रैकिंग इट, इज स्टिल नॉट ए ट्राइवल टास्क फॉर द लाइक्स ऑफ यू एंड मी। तो दैट्स वाई वी आर मिनिमम यूजिंग 1024 बीट्स फॉर द की लेंथ, एंड द लॉन्गर योर इंफॉर्मेशन इज नीडेड टू बी केप्ट सिक्योर, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, एंड द सेकेंड वन इज देयर इज ए स्मॉल वन एरिया कंफ्यूजन ऑफ डिफाइनिंग द की लेंथ। कैसे? वन कन्वेंशन, तो ये पॉइंट्स मैं आपको इसके जो सेकेंड पार्ट की पॉइंट्स है एक बार राइट डाउन करा देता हूं, कि वन कन्वेंशन इज दैट द की लेंथ, द की लेंथ इज द पोजिशन ऑफ, इज द पोजिशन ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, सपोज कीजिए इन एन, दैट हैज द वैल्यू वन, राइट, वेयर द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट एट पोजिशन वन, राइट। एंड द सेकेंड पॉइंट आपका इसके की लेंथ के सेकेंड पॉइंट में जो है, इक्विवेलेंटली की लेंथ इक्वल्स टू, इक्विवेलेंटली की लेंथ इक्वल्स टू, ये आपको कैलकुलेशन याद रखना है, सीलिंग लॉग 2 बेस एन प्लस 1। सीलिंग का मतलब सीलिंग वाली जो वैल्यू होगा, अपर पोर्शन मतलब फ्रैक्शनल में ऊपर वाले पार्ट को लेंगे। एंड द अदर कन्वेंशन समटाइम्स विल बी यूज्ड इज दैट द की लेंथ is the number of bytes which are needed to store m multiplied, is yaad rakhe, m multiplied by 8, ओके। तो दिस इज द की लेंथ ऑफ दिस आरएसए। आपको यह ध्यान, जो की आप इस्तेमाल कर रहे हो, जो कि आपका पब्लिक की हो रहा है या प्राइवेट की हो रहा है, जिस की लेंथ की बात कर रहे हैं वो इस रूप में कैलकुलेटिव होंगे, राइट। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस आरएसए एल्गोरिदम, एंड आई हैव गिवेन यू एन एग्जाम्पल ऑल्सो, एंड दोज आर द एनालिसिस, लाइक हाउ encryption process will be done, how decryption process will be done, how security analysis of this RSA, and what will be the key length. If there is any query, students, you can ask me. Thank you.